कल हम लोग जो विषय सीख रहे थे उसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपको ध्यान होगा पहला पत्रस दो का इक्कीस और Peter, 2, 21 22 फर्स्ट पीटर चैप्टर टू ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू पहला पत्रस उसका दो का इक्कीस और बाईस हाँ जी पढ़ लीजिए ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਰਹੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਤਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:21 और 22 में पढ़ा लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर ऐसा तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली अब हम कल जो सीख रहे थे उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अपने पूरे जीवन का जब हम सारांश को देखते हैं एक समय हम कैसे चले अपनी मर्जी से लेकिन परमेश्वर ने मुझे कब देखा सृष्टि के पहले मैं इस पृथ्वी में किसी ने मुझे बनाकर भेजा है और बनाने वाले ने मेरी तरह किसी और को बनाया नहीं है मेरे लिए एक आनंद काल है और जब उसने मुझे बनाया मेरे लिए एक योजना पहले से ही तैयार की तो भी मेरे को कुछ समय क्या दिया था आजाद मर्जी दी थी जिसमें मैं खुद अपनी इच्छाओं के पीछे क्या किया चला दौड़ा सब कुछ किया ठीक समय पर मेरे जीवन में उसने हाथ डाला और मुझे किधर लेकर आया अपने चरणों में लाया अब जब मैं परमेश्वर के चरणों में जब आया तब तो मेरी हाँ, जिंदगी की स्थिति क्या थी जब मैं प्रभु के पास आया हम जितने भी प्रभु के पास आए जब हम आए हम टूटे हुए थे सच है हमारी आशाएं सब खत्म हमें यह नहीं मालूम चलता था अब आगे को क्या ऐसे निराशा की स्थिति में जब प्रभु के पास आए इसलिए हम बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे आने के पहले ही वो इस पृथ्वी में आकर कीमत देकर मेरे लिए उद्धार का रास्ता मेरे जन्म के पहले ही क्या किया था तैयार करके रखा था समझ में आ रहा है इस सब बातों को जब हम पूरा तस्वीर देखते हैं। मेरे आने के पहले ही क्या किया कीमत देकर मुझे उद्धार उसने दान में दिया मुझे एक नया जीवन दिया मैं तो टूटा हुआ आया था मैंने जब मान लिया कि मैं पापी हूं उसे प्रभु और उद्धार करता जब माना तो उसने मुझे क्या दिया नया जीवन दिया नया जन्म का अनुभव मिला मुझे एक नया सृष्टि बनाया पुरानी बातें सारी बीत गई मुझे एक शुद्ध विवेक दिया समझ में आया दुनिया के लोगों को आप देखो उनका विवेक उन्हें हमेशा दोष देता रहता और हमने क्या क्या नहीं किया लेकिन प्रभु ने मुझे क्या दिया एक शुद्ध विवेक एक नया अध्याय आपको ध्यान होगा इसराइली लोग मैं समय बचाने के लिए मैं उसमें नहीं जा रहा इसराइली जब मिस्र से निकले थे आप निकाल लीजिए निर्गमन बारह अध्याय ताकि वचन से आपको उस बात का स्पष्ट रहे निर्गमन कूज बारह उसका एक और दो निकाल लीजिए पढ़ लीजिए कूज बारह का एक और दो हाँ, फिर युआ ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे तो इसराइली जब मिस्र से जब निकल रहे हैं तब तो परमेश्वर उनको क्या दे रहा है एक नया कैलेंडर दिया नया कैलेंडर का मतलब अभी उदाहरण हम दिसंबर 31, हम नया नया समर्पण करते हैं ना क्यों रात को 12 बजे के बाद क्या आ रहा है नया आ रहा है। फिर दोबारा एक दो तीन शुरू होगा इसलिए हम नया समर्पण करते हैं इधर परमेश्वर इसराइलियों को क्या दे रहा है एक नया कैलेंडर दे रहा बोलता यह तुम्हारा पहला महीना यह क्यों मैंने बोला हम जब यीशु के पास आए मेरा नया जीवन शुरू हो गया मुझे उसकी गंभीरता नहीं मालूम थी मैं खुश था क्यों मेरा वो दुख सब दूर हो गया मेरा एक नया जीवन शुरू है लेकिन हम उधर एक बात भूल गए शुरू में थोड़ा सा ध्यान रहता है अब मेरा एक प्रभु है मैंने उसके इच्छा के अनुसार चलना था लेकिन हम उधर जाकर ठोकर खा देते हम सारा कुछ पुराना खत्म हो गया बोलकर हम फिर चलने लगते और कई बार वही पुरानी कहानी हमारी फिर शुरू हो जाती है अब जब आपने यीशु का जीवन दिया एक नया शुरुआत आपने पानी में डूबकर क्या भी लिया बपतिस्मा भी लिया और बपतिस्मा भी क्यों लिया मैं यीशु के साथ गाड़ा गया अब मैंने किसके लिए ही जीना है यीशु के लिए ही जीना तो अब एक विश्वासी जिसके जीवन में ये बातें हो गई उसका एक ही लक्ष्य रहता अब मैंने कैसे चलना जैसे यीशु मसीह चला मैंने वैसे चलना मुझे और किसी बात की चिंता नहीं करनी आप भी आज आपने भी बात को ध्यान रखा हमारे सबके जीवन में बहुत सी बातें हैं विषय हैं समस्याएं हैं अभी शरीर में तकलीफ है चाहे कुछ भी हो हमारा विषय है कुछ भी हो जाए परमेश्वर की मर्जी से ही होता अगर ये बातें हमारे जीवन में ना हो तो हम तो अपनी दुनिया में ही चलते रहे तो इसलिए जो भी होता है उसके पीछे हमारे लिए भलाई है हर बात के पीछे क्या है भलाई है सो so, अब मैं जब चल रहा हूं मेरा एक ही सोच रहना क्या जैसे प्रभु यीशु ने मेरे सामने क्या दिया लेकिन इधर हैरानी आती है मैं क्या बोल रहा जिसको उद्धार का अनुभव मिला अनुग्रह से मिला नया जीवन मिल गया वो बोलता है मुश्किल है क्या मुश्किल है यीशु की तरह चलना मुश्किल है आप क्यों ऐसे बोल रहे हो यीशु की तरह चलना मुश्किल है क्योंकि आपने अपना जीवन एक को दिया है ना खुद चल लिए थे ना हम सबके पास अनुभव है ना खुद चलने का चलकर देख लिया नहीं देखा क्या सीख लिया हमसे क्या नहीं होगा चला हमने चलकर देख लिया और हमें यह मालूम चल गया कि हमसे चला नहीं जाएगा और फिर भी अभी जब आने के बाद आप क्या बोल रहे हो चलना मुश्किल है इसका मतलब आप फिर दोबारा वही पुराना इच्छा उसी में चलना चाहते हो इसलिए ना कल हमने पहला यमुना दूसरा अध्याय में पढ़ा ना अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो आप झूठे हो है ना ऐसे ना पढ़ा था कल पहला यमुना दूसरा अध्याय निकाल लीजिए लिखा हुआ विषय पहला यौना दूसरा अध्याय का एक से हम लोग पढ़े थे और उसका तीन से पढ़िए पहला यमुना दो का तीन से मैं तो क्या है? मैं पढ़ रहा हूं। और वही हमारे से। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं So, अब मेरे सामने जो रास्ता है मैंने यीशु की तरह चलना इसमें कोई दो राय नहीं है अगर यीशु के पीछे निकले हो अगर आपने उसको प्रभु कर कर माना है तो आ, अब आपके सामने अब कोई ऑप्शन नहीं है क्यों ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप एक समय क्या किए हो अपने सुख अपनी इच्छाओं के पीछे क्या किए और अनुग्रह है परमेश्वर का कि हमें नया जीवन मिल गया समझ में आ रहा है अनुग्रह का कीमत समझ में आया हम खुद चलकर अपने जीवनों को उजाड़ दिए प्रभु के अनुग्रह के कारण जो सजा मेरे ऊपर गिरनी थी उसने खुद अपने ऊपर ले ली और मुझे अनु उद्धार दान में दिया तो इसलिए अब आपको आजाद मर्जी की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा अब आपको किसकी जरूरत नहीं आजाद आजाद मर्जी की जरूरत नहीं क्यों एक समय आप आजाद थे आपको जो अच्छा लगता था आप क्या किए किए अब फिर दोबारा उस रास्ते में चलने का आपको कोई हक इसलिए विश्वासी के जीवन में डंडे कष्ट पड़ते हैं कष्ट क्यों आते हैं कि फिर दोबारा कई बार हम लोग क्या करने लगते हैं उस चीज की गंभीरता को ना समझते हुए हल्का लेते हैं। तो थोड़ा सा कष्ट हमें क्यों देता है ये सजा नहीं है थोड़ा सा कष्ट क्यों देता है कि हमें होश हम होश में आ जाए कहीं पुराने रास्ते में तो फिर दोबारा क्योंकि अब दोबारा तेरे लिए वो क्रूज पर नहीं चढ़ेगा इसलिए कल हमने इब्रानी में पढ़ा था जिन्होंने एक बार उस खुशी को क्या किया है तो पढ़े थे ना कल मैं दोबारा वो पढ़ रहा हूं इब्रानी छवा अध्याय उसका चार से क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं यदि वो वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूज पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं ये ऐसा क्यों आप एक बार गुमराह हो गए फिर दोबारा आपको मन फिराने का मौका क्यों नहीं दे रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? आपके लिए उसने भारी कीमत दे दी देने के बाद आपको एक नया जीवन जब दिया और नया जीवन मुझे देने के लिए उसने क्या किया स्वर्ग की महिमा छोड़कर आकर सब कुछ कर नया जीवन आपको उसकी अगर कीमत नहीं है तो अब दोबारा आपको फिर क्या नहीं मिलेगा यह उद्धार का मौका दोबारा नहीं है इसलिए कलिसिया इधर जाने के बाद सात साल के महाकष्ट में उद्धार का फिर दोबारा क्या नहीं है मौका है नहीं क्योंकि अनुग्रह का दरवाजा क्या हो गया बंद हो गया सो प्रभु का दया आज भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है बार बार हमारे से वाद विवाद करता है तो पुराने रास्ते ना चल पुराने रास्ते ना चल तो जब अब मैं प्रभु के चरणों में जब आया अब मुझे अपनी मर्जी का कोई हक नहीं है इसलिए लिखा है झूठे हैं झूठे कैसे आकर भी अभी भी बोलते हैं मैं परमेश्वर पर एहसान कर रहा हूं पीछे चलकर नो सर मेरी तो आजादी खत्म हो गई कब जब मैंने यीशु को क्या कर लिया समझ में आ रहा मेरी तो आजादी खत्म हो गई है अगर ये बात को मैं मान लू तो चलना मेरे लिए बहुत आसान है मैंने क्या मानना है अब मेरी कोई आजादी नहीं मेरा एक प्रभु है जैसे वो कहेगा वैसे मैं चलूंगा ऐसा क्यों क्योंकि एक बार मैंने खुद चलकर देख लिया मेरे से चला नहीं जाता इसलिए इतनी उम्र में तंग नहीं किया ठीक समय में पकड़ कर लाया और तब हमने खुद तोते की तरह अपने मुंह से बोला था मैं क्या हूं पापी इसलिए हम लोग भी जब सेवा में हमने एक चीज देखी आपको एहसास होगा मालूम नहीं जो बहुत ज्यादा पाप कर चुका है ना वो जब प्रभु में आता है, उसका चाल में एक फर्क रहता और जो ईसाई घर में जिसका जन्म हुआ उसका चाल अलग ही रहता फर्क समझ में आया दो टाइप एक जो कभी प्रभु के साथ चला नहीं था पाप में अपना जीवन बिताया जब वो प्रभु के पास आया ना उसको याद रहता है वो दिन जब मैं प्रभु के पास आया दूसरा व्यक्ति वो तीसरी चौथी पीढ़ी विश्वासी होगा उसको कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वो पाप में कभी गया भी नहीं है इसलिए उसको यीशु के क्रूस पर मरने का भी ज्ञान है कोई फर्क उसको समझाने के लिए एक और उदाहरण अब आप लोग पंजाब में मेहनत किए इधर आए तो आपको उसका कीमत है कि हमारे बच्चे जो कभी खेत में काम नहीं किए उनको इसका कोई फर्क क्यों अनुभव तो है नहीं हम वापस पंजाब जाए तो अच्छा लगता है वो वापस कनाडा आते हैं उनको अच्छा लगता है फर्क समझ में आया क्योंकि क्या नहीं है अनुभव नहीं सो जिसने यीशु को अपना जीवन दिया प्रभु को माना है उसका सोच क्या है अब मेरी आजाद मर्जी खत्म है अब मेरी मर्जी नहीं इसलिए लिखा है जब तक गेहूं का दाना नीचे गिरकर मर नहीं जाता वो अपने में ही रहता इसलिए प्रभु यीशु ने बोला यदि मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्या करना क्या करना मुझे अपना क्या करना इनकार इनकार का मतलब क्या है नहीं अब आगे अपने लिए इसलिए प्रभु यीशु जबरदस्ती नहीं करता इसलिए प्रभु यीशु कहता यदि कोई आना चाहे अब आप भी कोई जबरदस्ती थोड़ी है प्रभु के पीछे आना आपको जैसा जीना क्या कर लो जी लो मैं भी पिछले दिन पंजाब में बाकी जगह में क्लासेस ले रहा था तब मैं भी लोगों को कुछ तस्वीर दिखा कर मैंने बोला आप इतने दुखी रहते हो खुश हो नहीं अभी भी आज भी यूट्यूब में आज एक हिंदी क्लास अपलोड किया बाद में आप जाकर सुन सकते हो आप अपने आत्मिक जीवन में खुश नहीं उदास रहते हो एक काम कर लो ना प्रभु यीशु को बोल दो मैं तंग पड़ गया तेरे साथ चलकर मैं क्या हूं दुखी हूं अब आप में से पांच साल से पहले विश्वास में आया कोई है आपको विश्वास में कितना साल हो गया एटी नाइन और आज कितना हो गया नब्बे से दो हजार दो हजार दस दो हजार तीस लगभग तीस इकतीस साल हो गया है ना और बीस साल वाला कोई है प्रभु में आकर 20 साल हो गए कोई है ऐसे प्रभु में आए तो 20 साल हो लेकिन नहीं ये जानकर 20 साल हो गए 30 हो गया 20 हो गया कोई 10 साल, को साल, साल वाला है 10 है कोई 5 साल वाला है ठीक है मैं अभी आपके लिए बोल रहा हूं आपके लिए सी हमारे बीच में 10 20 30 वाले सच बोलना जब से आए हो जीवन में दुख बड़ा है कम हो गया है आपको कम हो गया आपको कम हो गया आपको वो ऐसे कैसे जब से यीशु के पीछे आए कष्ट बड़ा है कम हो गया मेरी तरफ से मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा आप फैसला करके बताओ प्रभु के आपके जीवन में तो जीवन है नहीं मेरे को इतना ही बता दो आपके जीवन में जब से प्रभु के पीछे आए कष्ट बढ़ाया नहीं बढ़ा मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूं ये जो आए हैं ये बोलते हैं बढ़ गया है क्यों आओगे जो कष्ट अभी नहीं है कल को और बढ़ेंगे कैसे बढ़ने का मतलब अब तो हमारी मर्जी है ही नहीं अगर हमारी मर्जी होते तो इतना कष्ट होना ही नहीं था पहले कौन सा इतना कष्ट था पहले मजे से पाप में खेलते थे ना अभी तो प्रभु के पास आए तो हमारा कष्ट क्या हो रहा है आज बहुत से लोग दुखी बैठे इसलिए मैं लोगों को बोलता एक काम कर लो आज तलाक ले लो यीशु को यही बोलो प्रभु यीशु को क्या बोलना अभी तक तू प्रभु था मेरे से गलती हो गई सच्चे मन से प्रार्थना क्या कर दो मेरे से क्या हो गई क्या मैंने तुझे प्रभु मान लिया एक बिनती है तू मुझे छोड़ दे ताकि मैं आगे से अपनी मर्जी से नहीं तो मालूम क्या है आज विश्वासी को देखे तो दुनिया हमसे ज्यादा खुश है जो नरक में जा रहे हैं वो खुश हैं और जो स्वर्ग में जा रहा है वो दुखी है हैरानी की बात नहीं है जो नरक में जा रहा है वो दारू पीकर टुन होकर फिल्म देकर नाच रहा है और जो स्वर्ग जा रहा है वो क्या है तो उससे तो एक समझ में आता है जो खुश है ना वो शायद स्वर्ग जा रहा है और जो दुखी है वो किधर जा रहा है लगता तो ऐसी है। जिसको जो नरक जा रहा है उसको तो कोई ही नहीं है नहीं हम दुखी क्यों हैं मालूम है आज बहुत सारे विश्वासी दुखी क्यों हैं प्रभु के साथ का संबंध में वो मजा नहीं आ रहा सोचा कुछ और था लेकिन इधर पंगा ही कुछ और हो गया हम तो सोचे थे जब आएंगे तो बस प्रार्थना ही करो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी हल हो जाएंगी इधर आए तो प्रार्थना करे तो एक समस्या नहीं टलती अगला आ जाता है इसलिए आज बहुत से लोग प्रभु से क्या हैं ऐसे लोगों से मैं बोलता हूं आप एक काम करो इस यशु को छोड़ो कम से कम नरक जाने के पहले इधर तो थोड़ा सुख कर लो नहीं तो इधर भी दुखी और क्या मालूम उधर भी क्या रहोगे स्वर्ग उसके लिए है जो इधर भी स्वर्ग को अनुभव करता कैसे शरीर में कितना कष्ट हो तो भी मेरा एक प्रभु है इसलिए उसके लिए कष्ट क्या नहीं कष्ट नहीं शरीर में दर्द है सब कुछ है तो भी यही ना हमें दूसरों से अलग करता दुनिया हमें देखकर बोलती है हम तो हाय करते हैं तू इतने दुख के बीच में भी तू हंसता कैसे है तेरे को देखकर तो लगता ही नहीं है तू दुखी है कारण मैं अनाथ नहीं हूं मेरे साथ एक है सो मेरा विषय So, मैं जब यीशु के पीछे चलने लगा अब मेरे सामने का लक्ष्य क्या है जैसे यीशु चला सो so, मैंने प्रभु यीशु को ध्यान से देखकर क्या करना है चलना अब चलने की जब बात आती है ना इधर आप पढ़ लीजिए यह पंद्रह अध्याय जॉन फिफ्टीन उसका एक से पढ़िए

मैं हूं और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले इधर ध्यान से आपने बहुत बार पढ़ा हुआ विषय लेकिन इधर एक गंभीर विषय को आपने समझना हम सब यीशु में हैं हमने यीशु को अपना जीवन दिया है फर्क किधर आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं चलना मुश्किल है है ना हम सबने अपना जीवन किसको दे दिया ये क्रम अनुसार हम जब सीख रहे हैं हमने यीशु को क्या माना है प्रभु माना और हम लिया भी है भाई बोलता है मैंने लेना भी है मैं बोलता हूं, दस बार सोच कर ले लो हमने बपतिस्मा भी लिया फिर भी हम क्या बोल रहे हैं चलना मुश्किल है वो क्यों ऐसे बोल रहे आप और फिर ठीक है हम बोलते नहीं होंगे तो भी हर बार हम माफी मांगते हैं प्रभु मेरे से क्या हो गई गलती हो गई और आप रोते भी रहते हो तो आप रो क्यों रहे हो हर बार आपसे बार बार ये गलतियां हो क्यों रही है और फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे से चला नहीं जाता जब आपसे चला नहीं जा रहा आपसे गलतियां हो रही है। फिर चंदा क्यों देते हो बात समझ में आ रही क्योंकि इधर पैसे का लेना देना थोड़ी है इस रास्ते में बाप के अपने बच्चों से पैसे मांगता है हाँ जी मरते दम तक बाप तो यही बोलेगा मुझे पैसे नहीं चाहिए मैं दूंगा तो हम इधर क्या सोचकर बैठे हम इतने सड़ चुके कि हम इस संबंध को किसमें लेकर आ गए पैसे के लेने देने में लाकर ले तो पैसे रख ले बच्चा अपने बाप से क्या बोल रहा पापा क्या रख लो बात तो मेरी मानता नहीं अपनी मर्जी करता और मुझे क्या दे रहा है यह पैसा और ना दर्द पैदा कर रहा है। तू पैसा ना दे तो इतना झंझट तेरे को कौन बोल रहा है पैसे भी देने के लिए यह तो घर की बात है या तो तू मुझे छोड़ कह दे मैंने आगे इस रास्ते में तो मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे लिए चलना मुश्किल है इधर आ गई बात प्रभु में हम हैं हम डालियां हैं जब आपने यीशु को जीवन दिया तो आप उसमें क्या हो डाली हैं लेकिन हमने क्या नहीं निकल रहा फल नहीं निकल रहा हम यीशु में हैं मैं वो बात आपको आज मैं चाहता हूं प्रार्थना करता प्रभु आपको मदद करे हम यीशु में हैं लेकिन मेरे में क्या नहीं निकल रहा तो इसका मतलब फल नहीं है तो पत्ते तो हैं और मैं उससे खुश हूं क्योंकि मैं यीशु में हूं आज बहुत से लोग गाना भी गाते मैं तो यीशु में आ गया मैं तो बहुत खुश तू खुश है लेकिन तेरे में फल नहीं है समझ में आ रहा इधर पड़ा क्या है जो मुझ में है और फल नहीं लाता ऐसे ना लिखा है जो डाली यह दूसरे पेड़ के बारे में नहीं है किसके बारे में जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो सो so उससे हमें समझ में आ रहा है कि मैं उसमें हूं लेकिन मेरे में क्या नहीं है उसका मतलब क्या है मैं यीशु को जानता हूं मैं यीशु के साथ मेरा संबंध है ध्यान से सुनना मुझे येशु के साथ संबंध है लेकिन मेरा येशु के साथ संगति नहीं है आई हैव रिलेशनशिप बट नो फेलोशिप फर्क समझ में आया नहीं समझ में आया मुझे यशु के साथ क्या है संबंध है संबंध है लेकिन क्या नहीं है मेरा बेटा है मेरी बेटी है संबंध है संबंध में कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमारे में क्या नहीं है संगति नहीं इस कारण क्या नहीं निकल रहा ऐसे व्यक्ति को क्या कर देगा संबंध से फायदा क्या है संबंध से इतना ही है सिर्फ पत्ते और कुछ सो अगर फल फल निकलने का मतलब क्या है जैसे यीशु चला मैंने बात आपको समझ में आया मैं धीरे से वो ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए पिछले साल तक मैं अभी पिछले जहां कहीं क्लास लेता था मैं यही बोलता था हम ये मसीह जीवन एक संबंध है लेकिन अब उससे एक स्टेप और ऊपर संबंध से काम नहीं चलेगा क्या चाहिए प्रभु भोज क्या है प्रभु भोज क्या है संगति है हम वो दाक्रस और कटोरे वो रोटी को हम क्या बोलते हैं प्रभु भोज द लॉर्ड्स टेबल या होली कम्युनियन है ना ऐसे बोलते हैं ना आप इस रोटी और दाखरस को भोज क्यों बोलते हो समझ में आ रहा है टेबल में हमने रोटी रखी और दाखरस रखा और हम उसे क्या बोल रहे हैं भोज क्यों बोलते हो पेट भरकर खाते हो क्या समझाने के लिए आपके घर में कोई नया व्यक्ति आए उसको खाना दोगे या चाय पिलाओगे कोई नया व्यक्ति आता है जो आपसे ज्यादा परिचित नहीं चाय दोगे ना खाना तो नहीं सोचोगे लेकिन जो आपका नजदीकी है उसको चाय दोगे खाना मेन क्या है खाना देते हो क्यों नए के लिए चाय पुराने के लिए खाना मैं मुझे नहीं मालूम मैं सिर्फ बहुत देर हो गया दविंदर सिर्फ आ जाओ ना एक बार हमारे साथ खाना खा लो ना मैं कौन सा घर में भूखा बैठा जो आपके घर आके खाना खाऊं नहीं एक बार तो आ जाओ क्यों क्यों खाने पर बुला रहे हो आप किसको बुला रहे हो जिसको आप अच्छी तरह जानते हो खाने के लिए नहीं बुला रहे आप लेकिन एक मौका आओ बैठेंगे बात करेंगे उसके साथ साथ क्या भी कर लेंगे खाना भी खा लेंगे इसका मतलब वो खाना नहीं है प्रोग्राम नजदीकी संगति है वो मैं खाना किसके लिए बना रहा हूं जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूं आगे जी आगे चलो बैठो ना तो खाना चुप नहीं आप बोलोगे ठीक है खाना मैं चुपचाप खाना भी खा लिया आपने भी खाना खा लिया बात तो की नहीं खाना भी खा लिया आइसक्रीम खाकर मैं चला गया फिर दोबारा बुलाऊंगा बोल ये बंदा आया खाना खाया तो बात ही नहीं किया खाना खाने थोड़ी आए हैं मेन मेन किसके लिए आपस में बैठे क्या करें और जी सुनाओ जी कैसे है खाना तो रखा खाना ठंडा भी हो गया लेकिन टेबल के आसपास बैठे क्या चल रहा है बातें ही चल रहा है क्योंकि नजदीकी से मैं क्यों बोल रहा प्रभु भोज हम उसको भोज क्यों बोलते हैं ये एक संगति है पेट भरकर खाने का चीज नहीं है प्रभु भोज में मैं परमेश्वर के साथ क्या कर रहा हूं नजदीक लेकिन ये वो ही ले सकता है जो उसके साथ जिसका उसके साथ क्या है संबंध होना काफी नहीं संगति जरूरी है। अब आज इस संडे को प्रभु बोझ मैं पहले ही बोला मैंने पहले ही क्या बोल रखा है जो क्लास में नहीं आएगा उसको प्रभु बोझ में नहीं दे पाऊंगा क्यों मुझे आपसे नफरत थोड़ी है प्रभु बोझ में भाग लेना है तो उस रोटी से थोड़ी रोटी और दाखिल सकेला थोड़ी है कोई बात मैं और आपने बैठकर हमने अपने जीवन को क्या करना है जांच कर देखना है प्रभु कहीं मैं ध्यान से तेरे से कहीं दूर तो नहीं हट गया नहीं तो ये प्रभु बोझ आपके लिए क्या भी बन जाए सजा भी इसने ना लिखा है अपने आप को क्या करो जांच कर देखो कोई इसमें अनुचित रीति से क्या ना ले और हम क्या कर लेते हैं अब हम सीख रहे हैं हम उस समय आकर प्रभु से हम रोते प्रभु मेरे से गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई ठीक है लेकिन गलती तो कितनी बार तू कर रहा तेरे से गलती बार बार क्यों हो रही क्योंकि तेरे को मेरे साथ संबंध है लेकिन तू मेरे साथ क्या नहीं करता संगति नहीं करता इसलिए तेरी हालत यह है समझ में आ रहा वो मेरे साथ रहता क्यों है पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ रहता क्यों है ताकि मैं उस यीशु के मौत के साथ शामिल होना काफी नहीं मैंने उस जी उठने के सामर्थ्य में चलना चलने का मतलब क्या है मेरे से गलतियां नहीं होना चाहिए समझ में आ रहा मेरे से क्या नहीं होना चाहिए गलतियां नहीं होनी चाहिए प्रभु यीशु से क्या नहीं हुई अगर प्रभु यीशु से गलती हुई होती तो हम भी वो भी तो फिर अब्राहम की तरह ही था ये आखिरी आदम दुनिया के लिए उद्धार का कारण कैसे बना जीवन में क्या नहीं है? पढ़ लीजिए आप पहला तिमोती दो का पांच से सात पहला तिमोती दो का पांच से सात

अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य इधर साफ लिखा है मसीह यीशु जो यहोवा विटनेस वाले यही आयत लेकर वो फिर बोलते हैं कि वो तो मनुष्य था सच है ना प्रभु यीशु कौन है पूरा का पूरा ये अवतार नहीं है गुरु नहीं है ये पूरा का पूरा कौन है मनुष्य है बाकियों में क्या है वो हम उनको परमेश्वर का दर्जा देते हैं इधर परमेश्वर पूरा क्या बन रहा है मनुष्य का रूप धारण किया इसलिए आप उसके साथ यहुन्ना आठ का उनतालीस नहीं पहला यहुन्ना चार का दो और तीन भी पढ़िए पहला यहुन्ना चार का दो और तीन पहला यहुन्ना फर्स्ट जॉन फोर टू एंड थ्री

कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से है और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है अब इधर मैं क्यों आपसे ये ये विषय जब हम लोग सीख रहे हैं बहुत से विश्वासियों से कई लोग मुझे क्लास के लिए बुलाए भी और मैं गया मैंने क्लास भी लिया पढ़ाया भी और अब उनका मेरे साथ कोई संपर्क है ही नहीं ऐसे बहुत से लोग हैं क्लास के लिए बुलाया मैं गया उनके घर में रहा वचन सिखाया बहुत एक एक नोट्स भी बनवाए एग्जाम भी लिए लेकिन आज इधर वैंकूवर सरी में भी लोग हैं जिनके लिए मैं रात को बारह बारह बजे तक क्लास लेता था वो अभी भी इधर हैं लेकिन मिलते ही नहीं कारण क्या बोलते बहुत कड़क है वचन क्या है बहुत शकत है मैं पूछता हूं इसमें शकत है क्या मैं आपको उपवास लेने नहीं बोल रहा मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा के हम लोग जी अभी, अभी, अभी अमेरिका भी जाते हैं जहां भी जाते हैं हम तो अपना साबुन भी लेकर आते हैं कईयों ने तो अपने घर में हमारे लिए साबुन पेस्ट ब्रश सब रखा हुआ कितने सालों से इजी का इजी ही है मैं तो अपना ही लेकर आता अगर मैं चंदा भी नहीं मांग रहा मैं दसवा हिस्सा भी कुछ भी नहीं मांग रहा फिर भी बोलते क्या है बहुत शकत है तो क्या शकत है वो बोलते जैसे बाइबल में लिखा ऐसे थोड़ी चल सकते हैं क्या बोल रहे जैसे बाइबल में लिखा ऐसे थोड़ी चल सकते हैं क्यों नहीं चल सकते हैं कौन सा मुश्किल है सबसे सरल तो यही है दुनिया योगा करती है वो आसान है ये आसान है मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में लोग नीचे बैठते हैं इधर हम कुर्सी में बैठकर भी क्या बोल रहे हैं मुसलमान तीसरे अपने रोजे रखता है और वो बोलता है मुश्किल नहीं है हमें तो कोई रोजा नहीं फिर भी मुश्किल है क्यों चलना नहीं चाहता इधर लिखा जो आत्मा नहीं मानती परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो ध्यान रखना एक गंभीर विषय है एक व्यक्ति के अंदर की आत्मा ये परमेश्वर की आत्मा है या दूसरी आत्मा है हमें कैसे मालूम चलता है जो ये मानता है कि यीशु क्या किया मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है जब हम बोलते शरीर में होकर आया बोलने का मतलब बाहर से देखने में तो वो तो ठीक है यीशु शरीर में होकर आया तो फिर आप क्यों नहीं चल रहा है समझ में आ रहा है इसका मतलब आप मानने को तैयार नहीं है आपका कहना है यीशु चल सकता है हम नहीं चल सकते इसका मतलब आपके अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं किसके बारे में जो क्या बोलता है यीशु चल सकता है हम नहीं चल सकते क्यों नहीं चल सकते आप चल सकते हैं आप चलना नहीं चाहते आप चलना क्यों नहीं चाहते क्योंकि आपके अंदर की आत्मा ही दूसरी है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो गलती करता है तो भी वो उसका एक ही सोच रहता है मैंने चलना जिसने फैसला कर लिया कि चल नहीं सकता उसके अंदर की आत्मा कौन सी नहीं समझ में आ रहा है आपको फर्क गलतियां मेरे से हो रही फिर भी मैं क्या मैं ये नहीं बोल रहा चल नहीं सकता मेरा हमेशा रोना क्या है मैंने चलना है, चल नहीं पा रहा इसलिए रो रहा हूं दूसरा एक बंदा वो रोता नहीं क्यों नहीं रो रहा उसने तो फैसला किया ही नहीं है चलना इसलिए उसको क्या नहीं हो रहा रोना फर्क समझ में आ रहा है आपको ये रो कौन रहा है जो चल नहीं पा रहा चलना चाहता और परमेश्वर की आत्मा मदद भी करती है लेकिन जिसने फैसला किया ही नहीं है चलना उसको क्या नहीं है रोना ही नहीं है। लेकिन वो भी आपके साथ प्रार्थना में बैठा समझ में आया आपके साथ वो भी प्रार्थना में बैठा और आपसे ज्यादा सेवा के लिए पैसे भी देता लेकिन वो क्या बोलता है इसके अनुसार थोड़ी सब चल सकते हैं भाई साहब आप बाकियों से अब ध्यान से ये दो लोगों को आप देखिए मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं एक रोता रहता उसको देने के लिए उसके पास क्या भी नहीं है पैसे भी नहीं है दूसरा खूब पैसे देता है लेकिन क्या भी नहीं कर रहा रो भी नहीं रहा ये दोनों में फर्क क्या दोनों में आत्मा में फर्क है जो रो रहा है उसके अंदर कौन सी आत्मा है परमेश्वर की आत्मा होने के कारण चला नहीं जा रहा इसलिए वो क्या कर रहा है रो रहा है। दूसरा वो क्यों नहीं रो रहा उस, उसने तो फैसला किया है मैंने चलना ही नहीं और इसलिए वो फिर सब लोगों के सामने बोलता भी क्या इसके अनुसार थोड़ी सब चल सकते हैं समझ में आज कलीसिया में ऐसे दो हैं एक जो प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना तो आपसे और मेरे से हम लोग वचन सीखते हुए कहा अपने आप को जांच कर देखें मेरा सोच क्या है चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर कब आया है प्रभु यीशु क्रूस पर जान देकर जी उठने के बाद उस जी उठने के सामर्थ्य में मुझे चलाने के लिए अभी हम क्यों पानी के बपतिस्मा में आपको डूबाते हैं पानी सिर में डालने में क्या दिक्कत है आप सिर्फ डूबते अकेला नहीं पानी से क्या भी कर रहे हैं बाहर भी तो आ रहे हैं बपतिस्मा में दो बातें हैं जाना भी है और आना भी है जाना किसको दिखा रहा है पानी के अंदर जाने को क्या दिखा रहा है मैं यीशु के साथ क्या हो गया गाड़ा गया पानी में चला गया कुछ बाहर दिखता नहीं हाथ बाहर नहीं है पूरा का पूरा किधर चला गया पानी में चल गया मर गया दफन हो गया लेकिन एक हैरानी बाहर निकल कर आया किधर से किधर से निकल कर आया पानी के अंदर से बाहर निकला ये। समझ में आया? पानी का बपतिस्मा क्यों पानी में डूबना जरूरी पानी के अंदर जाना है और जिस पानी के अंदर गया है उस पानी से क्या करना है बाहर भी निकलना बाहर निकलना किसको दिखा रहा है यीशु के? जी उठने को दिखा रहा है। सो जो यीशु के साथ मर गया केवल वो ही पानी से क्या करेगा निकल आएगा इसलिए मर को सोलह में लिखा है यीशु को उधार करता स्वीकार करे नहीं पापों को मान ले और पानी में क्या ले बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा उद्धार हो सो बपतिस्मा लेने से ही हमारा क्या होगा उद्धार होगा सो मेरा विषय बपतिस्मा नहीं मेरा विषय जिसने यीशु को अपना जीवन दिया वो ये नहीं कहता चल नहीं सकता वो ये कहता है हम चल सकते हैं मेरे से चला जा नहीं रहा बस इतना ही है लेकिन हम चल सकते हैं रो क्यों रहा है मेरी गलती के कारण मेरी गलती के कारण मैं क्या नहीं कर रहा लेकिन हम चल सकते हैं यह है बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति का सोच और बात आजकल बहुत से लोग यही हमारे सामने आते बोलते हैं आप लोग जो सिखाते हैं ना ये बहुत कड़क है हम कौन सा कड़क सिखा रहे हैं अभी कल कल के कल या परसों है नाइजीरिया में एक पास्टर को अरेस्ट किया है कारण क्या है उसने अभी एक नया फंड ये सब उधर से दुनिया के सबसे धनी पास्टर नाइजीरिया के हैं वो पिछले कल परसों का न्यूज में था उसने क्या किया अब पानी का ये कई लोग हैं ना आपको मालूम है ये तेल देते थे पंजाब में है वो भी देते हैं अभिषेक बोलकर दो सौ का तेल मिलता है ये उसे एक कदम आगे इसने तेल दिया नहीं है इसने तेल उधर जगह थोड़ा सा जगह है और उधर तेल को फेंक दिया और बोला जो इसमें पैर रखेगा उसको चंगाई मिलेगी मालूम है बीस लोग मर गए क्यों जो भगदड़ मची उस तेल के अंदर क्या डालने के लिए पैर डालने के लिए थोड़ा सा जगह में क्या फेंक दिया बोलते वो ठीक है हम गलत हैं दक्षिण अफ्रीका में कुछ साल पहले एक पास ने बोल दिया सबने बाहर जाकर घास खाना पूरी चर्च बाहर बैठकर आपने पढ़ा होगा ना देखा भी होगा चर्च ने बैठकर क्या खाया यानी मैं अगर आपको बोलूं घास खाओ तो आप अच्छे हो अगर मैं आपको बोलूं मेरे को मिलना है तो प्लेटिनम कार्ड लेना पड़ेगा अभी है पंजाब में वगैरह पांच लोग हैं आप उनको मिलना है तो गोल्ड कार्ड भी है प्लेटिनम कार्ड भी है प्लेटिनम कार्ड वाले को पांच मिनट मिलता है बात करने के लिए गोल्ड कार्ड वाले को दो मिनट मैं भी सोचता हूं हम भी ऐसे कोई शुरू कर ले और आपके घर में अगर आना है तो डायमंड कार्ड बोलते वो ठीक है लेकिन ये शकत है उससे मालूम चल जाते तेरे अंदर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसका एक ही सोच रहता है मेरे यीशु जैसे मैंने चलना वो ये नहीं बोलता चला नहीं जा सकता फर्क समझ में आ रहा उससे गलतियां हो रही हैं तो भी वो ये नहीं बोल रहा चला नहीं जा सकता वो बोलता चल सकते हैं मैं पिछले दिन अभी आ, आपको याद होगा मैं यहां से हम लोग पिछले फ्लोरिडा गए थे पिछले साल उधर बड़ा चर्च है और उधर का पास्टर मेरे पिताजी के साथ उनका ऑर्डिनेशन हुआ मैं उस शनिवार को उधर चर्च में गया तो हमारे रिश्तेदार हैं तो उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए बोला मैं आधा घंटा आधा पौना घंटा मैंने वचन से बोला आधा पौना घंटा अगले दिन सुबह मेरे को बोला कि अगला संडे है आपने प्रचार करना आधा घंटा आपको टाइम दे रहे हैं मैं बोला प्रचार करने नहीं आया मैं तो रिश्तेदारों को मिलने आया था दस साल में गया था पहली बार एमी को लेकर गया था बोले नहीं प्रचार करना ठीक है लेकिन उस दिन रात को हमारे रिश्तेदार के घर में खाना था तो वो रिश्तेदार उस चर्च का असिस्टेंट पास्टर है तो बातें करते करते मैंने पूछा कल प्रभु बोझ है बोला हाँ मैं बोला वही छोटा छोटा कटोरा टाइप तो नहीं है बोले नहीं वही है तो मैंने बोला फिर तो मैं नहीं ले रहा बोले तो क्यों क्या बात है मैं बोला हमारे बाप दादे एक ही कटोरे में से पीते थे और मरते थे सौ साल के बाद हम अलग अलग कटोरा पीते और ती, तीस तक भी नहीं पहुंचते हमारी जान निकल जाती है हमारे बाप दादे गलत थे हम ठीक है मैं बोला मैं नहीं पी सकता हमने पीना है तो कटोरे में से एक में से हम लोग पीते हैं तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है कोई मुद्दा थोड़ी हुआ मैं बोला आपके लिए मुद्दा नहीं होगा लेकिन मेरे लिए मुद्दा है मैं बोला आगे से अलग अलग कटोरे में पीते ना एक काम करें आगे से भी अपन मिनरल वाटर में देंगे और वो भी ऊपर से नीचे रेनकोट कहीं वो गंदा पानी अंदर ना चला जाए क्योंकि वायरस उसमें भी होता है पानी में बीमार तो आप किसमें भी हो सकते हो पानी में तो स्विमिंग पूल भी आगे से अपन बंद कर ले अभी जैसे इन लोग अभी क्या कर रहे हैं आपने यूट्यूब में आप देख लो सऊदी अरब में कहा है कल का यूट्यूब है लोग जो चाइना से आ रहे हैं प्लेन से जब उतरते हैं सीधा एयरब्रिज नहीं है बाहर खड़ा किया सीढ़ी से उतरते हैं दो लोग दोनों तरफ ये फ्यूमिकेशन लेकर शुर शुर पानी पानी की तरह आपको पूरा स्प्रे कर रहे हैं कोरोना वायरस से इतना नहीं मरेगा जितना स्प्रे से मर जाएंगे मैं बोलने का मतलब मैं फिर अगले दिन मैं मीटिंग में जाकर जब बैठा तो मैं पीछे बैठ गया क्योंकि मैंने देख लिया वो छोटे छोटे कटोरे वाला वो जो डांचा वो टेबल में रखा होता है मैं दूर से ही देख लिया मैं 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 बोला प्रचार तो है लेकिन आगे नहीं जाए क्योंकि सारी दुनिया देखेगी मैं नहीं ले रहा तो मैं सबसे पीछे बैठा तो पास्ट हाँ बड़ा चर्च है मैं फिर पीछे आया तो पास्टर पीछे आए बोले नहीं आपने प्रचार करना है मैं बोला आ जाऊंगा उस समय आ जाऊंगा मैं इधर ही ठीक हूं तो बोला नहीं 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 आपको मैंने फिर बोला पास्ट बुजुर्ग है सत्तर पचहत्तर के ऊपर उम्र है मैं वो बोला मैंने बोला पासी जी वो वो कटोरे रखे ना मैं नहीं लूंगा इसमें से बोले क्यों मैं बोला पासी जी आप तो जानते हैं कि हमारा प्रभु बोझ कैसे होता हमारे बाप दादे कैसे पीते थे एक नहीं, नहीं, में नहीं उसमें क्या है मैं बोला आपके लिए कुछ नहीं है मेरे लिए सब कुछ है गुस्से में आ गया कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो चर्च के पैसे वाले जो थे वो मेरे रिश्तेदार हैं तो मेरे को प्रचार के लिए लेकिन गुस्सा था मेरा प्रचार का टाइम आया मैं स्टेज में जैसे गया मुझे कितना बोला था आधा घंटा मैं स्टेज में जाते ही बोलते हैं पंद्रह मिनट मैं तो समझ गया था मैं तो सोचा था मुझे प्रचार का ही मौका नहीं देगा ये सुनने के बाद पंद्रह मिनट दिया शुक्र है पंद्रह मिनट दिया तो मैंने पंद्रह क्या मैं पांच मिनट लिया मैंने सिर्फ अयुब के पुस्तक बयालीस से मैंने पढ़ा अभी तक तेरे बारे में सुना था अब मैं तुझे देखता मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कलीसिया में हर कोई हमारे बाप दादों ने सुना नहीं था उन्होंने देखा था हम जो उनकी पीढ़ी हैं, हम भी सुनकर ना चले हम भी देख कर चले प्रभु आप सबको आशीष दे बोलकर दो मिनट में बोलकर मैं बैठ गया और उसके बाद मीटिंग जब खत्म हो गई यही पास्टर मुझे चेक भी लाकर दिया है सौ का सौ डॉलर का सबसे मैंने बोला नहीं चाहिए बोले नहीं ये चर्च की तरफ से सौ तो मैं फिर उनका इज्जत करते हुए मैंने रख लिया दस मिनट के बाद फिर आकर बोलता ये मेरी तरफ से है सो तो मुझे कितने मिल गए दो, सु। दो सु। मैं तो बड़े धन्यवाद कर सकता ना प्रभु चाहे कुछ भी हो मुझे तो पैसे चाहिए था मेरे को तो क्या आ गए आज मैं फिर उसको चेक ले जाकर अपने जो चाचा लोग थे उनको जाकर मैंने बोला ये आप ही रखो मुझे नहीं चाहिए वो बोले नहीं इधर ना रख तू लेकर जाए एक ही काम कर दे बैंक में ना डाल आज तक बैंक में नहीं डाला मैं बोलने का मतलब हम आजकल बहुत से लोग आप बहुत से लोग का भाषा क्या है हम चल नहीं सकते आपके अंदर की आत्मा कौन सी नहीं परमेश्वर की पढ़िएगा यहुन्ना आठ का उनतालीस और चालीस जॉन एट थर्टी नाइन फोर्टी हाँ इत्री? आठ का उनतालीस चालीस इधर जो मैं पढ़ रहा हूं उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो अब्राहम है यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते मुझ जैसा मनुष्य इधर ध्यान रखे प्रभु यीशु क्या बोल रहा है मुझ जैसा मनुष्य को क्या करना चाहते हो मार देना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना ऐसे तो अब्राहम ने नहीं किया था सो इधर हमारा विषय ध्यान रखे पूरा मनुष्य होकर वो चल रहा और हमने उसको किधर चढ़ाया क्रूस पर चढ़ाया प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ाया क्यों कल भी मैंने आपसे कहा क्या कारण है अपने आप को किसके तुल्य करता था ठीक है वो एक बात लेकिन बाकी कौन सी बात है जो उसने गलत कही कोई भी एक बात जो उसने गलत कही है पकड़ने के लिए तो कितनी बार आए क्यों नहीं पकड़ पाते थे पकड़े तो पकड़े कैसे इसके मुंह में तो कोई छल इतने अधिकार से बोलता है जो व्यवस्था में लिखी है उसी के अनुसार ये बोल रहा है फरीसी को तो इसको देखकर जलन आ रहा है क्योंकि जो बोल रहा है बिल्कुल इसलिए ना रात को निको जो फरीसी है किसके पास आया यीशु के पास निको रात को क्यों आ रहा डरता है बाकी से लेकिन उसको मालूम है ये है समझ में आ रहा ढूंढते थे इसको पकड़ने के लिए लेकिन पकड़ क्यों नहीं पा रहे मंदिर में भी कोड़ा मारा तो भी कोई किसी ने भी विरोध क्योंकि जो किया बिल्कुल ठीक किया जिन्होंने मार खाई उनको भी मालूम है जो किया गया बिल्कुल ठीक है इसको क्रूज पर चढ़ाए ना कहते आरोप थोड़ी है, मंदिर में कोड़े मारे सो बोलने का मतलब यीशु जब मनुष्य की तौर चल रहा चलने में दिक्कत क्या है क्योंकि चलना नहीं चाहते लेकिन अब हम यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं प्रभु यीशु चला कैसे हमने चलना किसकी तरह अब पहली बार चलना तो हमारा लक्ष्य किसकी तरह यीशु की तरह सो so, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम फल ना लाओगे तो क्या कर दिया जाएगा संबंध होने से कोई फायदा आप विश्वासी हो बोलने से कोई फायदा नहीं काट कर फेंक देगा और कितनों को काट कर क्या भी कर दिया फेंक दिया है आते हैं प्रार्थना में बैठते हैं चंदा भी देते हैं लेकिन जीवन में मसी नहीं दिखता है समझ में आ रहा आज कलीसिया में हम लोग जब देखते हैं बहुत सारे विश्वासी हैं वो प्रार्थना में आते हैं गाना भी गाते हैं बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनके जीवन में कौन नहीं दिख रहा आत्मा के फल 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 बोलने से कौन है यीशु का ना मुझसे दिखना चाहिए आज कितने चर्चे हैं जिधर झगड़े भी हैं कितने विश्वासी हैं जो आपस में क्या करते हैं झगड़ते हैं गुरुद्वारे में झगड़ा होता है ठीक है हमें आती है समझ मंदिर में झगड़े होते हैं बात अलग है लेकिन इधर कैसे इधर ऐसे आपस में झगड़े क्यों छोटी छोटी बातों में तू तू मैं मैं क्यों क्योंकि मेरे में से क्या नहीं निकल रहा फल क्यों नहीं लिख रहा संबंध तो है फल क्यों नहीं निकल रहा संगति नहीं कर रहा मैं यीशु की तरह चलना है तो आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा संगति करनी पड़ेगी संगति का मतलब गाना बजाना है संगति का मतलब क्या है? टाइम निकालकर अकेले बैठना अगर मैं टाइम निकालकर प्रभु के साथ बैठूं तो क्या मेरे इस जीवन से मसीह का स्वभाव प्रकट होगा नहीं होगा समझ में आ रहा है वचन सीखना काफी नहीं है मुझे समय निकालकर किधर बैठना प्रभु के चलो बैठ सकते हैं मुश्किलें है, आसान है चाहूं तो बहुत आसान आप थोड़ा टाइम रोज का निकालकर प्रभु के साथ आप अकेले बैठेंगे तो अपना फोन बंद करके दुनिया के साथ का अपना संबंध बंद करके थोड़ा समय किधर बैठ रहे हैं प्रभु के साथ बैठे आप खुद हैरान हो जाओगे आपके अंदर से मसीह का स्वभाव दिख कैसे रहा है पहले की तरह गुस्सा नहीं आता लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो भी मेरे अंदर पहले की तरह क्या नहीं आ रहा नफरत नहीं आ रहा चिड़चिड़ापन होता है तो भी मेरे अंदर उसके लिए क्या आ रहा है प्यार आ रहा है कैसे हो पा रहा है मैं समय निकालकर संगति करता ऐसे संगति करने वाले के लिए है प्रभु भोज हम संगति करेंगे तो जी उठने का सामर्थ्य क्या में प्रकट होगा जी उठने का सामर्थ्य का मतलब क्या है वो सामर्थ्य जिसने यीशु को किधर से उठाया मरे हुए में से जी उठाया है ना पवित्र आत्मा का सहायता था जी उठने में नहीं था वचन में लिखा ना आत्मा में क्या हुआ बलवंत होकर है ना वही पवित्र आत्मा है हमारे अंदर जिसने यीशु को मरे मरेवों में से जिंदा किया वही पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे भी जैसे यीशु चला चलाने के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ किधर है अंदर है हम बड़े आराम से यीशु की तरह चल सकते हैं एक ही काम संबंध से काम नहीं चलेगा क्या चाहिए संगति चाहिए रिलेशनशिप काम नहीं होगा कम्युनियन चाहिए और शैतान पूरा कोशिश भी यही करता है कि मैं क्या ना, करू? ना करूं संगति ना करूं रोज बैठकर थोड़ा संगति करने के लिए ना थोड़ा मुश्किल है, हम थक जाते काम से आते होकर इसलिए हम बोलते चलो विवेक भी दोष देता है ना चलो एक काम करो हर रोज तो प्रार्थना नहीं हो पाती तो संडे तो जरूर जाएंगे समझ में आ रहा सप्ताह पर हम काम करके क्या हो गए थक गए सप्ताह पर क्या नहीं हो पाया प्रार्थना नहीं हो पाया तो हम कब जाकर प्रार्थना कर लेंगे संडे के आराधना से काम नहीं चलेगा मुझे संगति कब करनी हर रोज समय निकालकर बाइबल पढ़ना काफी नहीं रोज समय रोज में थोड़ा समय निकालकर प्रभु के साथ अकेला बैठ जाऊं आपके जीवन की जो भी बातें हैं ना उसका हल उधर है हल सिर्फ नहीं आपके देखने के ढंग में भी क्या आएगा फर्क आएगा इसलिए लिखा है जो डाली मुझ में है और क्या नहीं करती तो मैंने और आपने जो हम बोलते हैं फल फल असली में क्या है मुझ में किसका स्वभाव देखना सो अब ब्रेक के बाद हम देखेंगे अब हमने इतना देख लिया कि मेरे में से क्या निकलना फल निकलना फल का मतलब मेरे में से कौन दिखना है? यीशु दिखना तो अब यीशु ऐसे चला कैसे समझ में आ रहा है प्रभु यीशु चला कैसे निष्कलंक मेरे लिए निशानी छोड़कर गया तो अगर यीशु जैसे सोच थी मेरा भी सोच हो जाए तो संगति में कोई दिक्कत नहीं है मैं भी बड़े आराम से क्या कर लूंगा सबसे सबसे मुश्किल बात क्या है प्रभु यीशु चला कैसे वो भेद क्या है समझ में आ रहा है हम चलना चाहते तो है लेकिन क्या नहीं कर पा रहे चल मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं जो चलना चाहते जिनके अंदर आत्मा परमेश्वर का है दूसरे तो रह गए जो चलना नहीं चाहते वो तो अलग बात अब हम हमारा हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तू चला कैसे मैंने भी वैसे ही चलना वो जो बार कल मैंने फिल्म दिखाया था ना वो बार मैंने भी पार करना बट उसका भेद क्या और यीशु ने भी क्या बोला जैसे मैं चला चलना ठीक है प्रभु चलना लेकिन बस इतना बता दे तू चला कैसे और कैसे परमेश्वर बनकर नहीं पूरा मनुष्य बनकर मेरी तरह पूरा बनकर बाकी गुरु महात्माएं वो बोलते तो गए चलना है चलना है लेकिन खुद भी क्या नहीं कर पाए चल नहीं, चल नहीं पाए हां धर्म के लिए बहुत कुछ किया हम उनको आदर बकायदा करते हैं उनको गुरु का हम आदर देंगे लेकिन परमेश्वर नहीं समझ में आ रहा है हम उनको किसका आदर देते हैं गुरु हैं आप अच्छे हैं लेकिन आप मनुष्य हैं लेकिन हम आपको क्या नहीं समझते परमेश्वर हम बराबर आदर करते हैं आप बोलते हैं ना गुरु है ठीक है ना हमें भी गुरु है लेकिन आप कौन नहीं है परमेश्वर नहीं है मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दूंगा आपको आपका इज्जत में देता हूं, मुझे मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आप अच्छी बात बोलते हैं लेकिन मैंने आपकी तरह नहीं चलना मैंने उसकी तरह चलना किसकी तरह जैसे यशु मैं आपको आदर दूंगा लेकिन चलूंगा किसकी तरह यीशु की तरह चलूंगा और जो यीशु की तरह चलता है प्रभु यीशु ने बोला मेरे पीछे आ जा मैं तुझे क्या बना दूंगा मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा मैं अगर यीशु की तरह चला दुनिया अपने यहां पीछे आएगी हाँ बहुत लोग चंगाई के लिए आएंगे आने दो ना प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा क्या यीशु आज भी चंगा करता है क्या आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे नहीं होंगे दुष्टात्मा निकलेंगे हम इसलिए तो हम आपको बोलते हैं आप अपनी समस्या लेकर हमारे पास ना आओ क्यों दुश्मनी नहीं है आप भी आप भी संगति करने लगोगे तो आपके तो प्रभु यीशु ने कहा जो काम मैंने किया तुम उससे ज्यादा करोगे सो so, हमने यह सब करना है लेकिन मुख्य बात चंगाई नहीं है मैंने यीशु की तरह चलना आई एम सिर झुका है प्रार्थना ब्रेक के बाद हम देखेंगे प्रभु यीशु चला कैसे उसके पीछे का वो भेद क्या था हालेलुया। क्या आप संबंध से खुश हैं या आप संगति चाहते मुंह खोलकर हम प्रभु से बातें करें अभी तक हम वचन सीख रहे थे आपने बाइबल भी पढ़ी नोटबुक में लिख भी लिया नोटबुक में इसलिए लिखा है ताकि बाद में आप मुड़कर उसको दोबारा सीख सके हम ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि आप सुन भी सकते हैं लेकिन ये सब इसलिए है ताकि मेरा उसके साथ संगति हो अभी तक संबंध था हम भी पहले आपको संबंध के विषय में सिखाते थे ये धर्म नहीं है ये एक संबंध है लेकिन अब उससे एक स्टेप और ऊपर संबंध नहीं ये संगति है हाल जिसको संबंध नहीं था उसको हम बोलते हैं संबंध है लेकिन जिसका संबंध है उससे बोलते हैं संगति करना हाल लुया धीरे धीरे एक एक स्टेप हम ऊपर चढ़ रहे हैं। लुया धन्यवाद मुंह खोलकर आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है प्रार्थना करें हम हल्ला नहीं करना लेकिन प्रार्थना करें मैं अपने प्रभु से बोल रहा हूं बात कर रहा हूं हाल जब आप मुंह खोल कर आहे भर भर कर जब आप उससे बात करते हैं वो संगति है हालेलुया 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 धन्यवादो दिगले रबश शंदले यार दिली बा 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 शा काले बला बारे बला बला Nibirabala <mí toys> bala baulela di nibirabala bela danda la bala la di libila baulela la la di libika ma di libila ba 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 shabala la di nibirabala baulela di nibirabala di libala dera ba Hallelujah 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 स्तुति धन्यवा हमारे अनुग्रहकारी पिता हम आपका धन्यवाद देते तेरा वचन हम जब सीख रहे एक एक बात को प्रभु जब आप हमसे खोल कर दे रहे हैं प्रभु बिनती करते हैं संबंध से खुश रहने के लिए नहीं तेरी उसके तेरी तेरे साथ की संगति का वो आनंद अनुभव करने के लिए हमें मदद कर सब कुछ संगति में है प्रभु और उसकी यादगारी में तूने प्रभु भोज भी रखा है हम तुझसे बात कर सकते हैं जब बहुत से लोग शब्दों का जप करते हैं हमें तूने ऐसी भाषा दी है जिसमें हम अपना दिल खोलकर तेरे से बात कर सकते हैं। हालेलुया। उस संगति का आनंद अनुभव करने के लिए हमें मदद कर हमें मालूम है तेरे साथ जब संगति करेंगे तो हमारे जीवन की सारी बातें हल हो जाएंगी। और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण भी बन जाएगा प्रभु उस जी उठे हुए सामर्थ्य में चलने के लिए हमें मदद कर आगे भी तो हमसे बात कर वचन को खोल कर दे यीशु मसीह के मधु नाम से हम माने